वहीं रुद्रपुर के शारदा सिटी से दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग की घटना सामने आई। आपको बता दें कि शारदा सिटी निवासी दीपक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वो अपने दो अन्य साथियों के साथ देर रात अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था। इस दौरान उसके साथ चार युवकों ने मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान युवकों के द्वारा उस पर फायरिंग भी की, जिसमें वो बाल बाल बच गया। वहीं दीपक की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिटी एसपी मनोज कत्याल ने कहा कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये बेसिकली एक प्रकरण हुआ था कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था कि एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की है, और उसके संबंध में उन्होंने खोखा भी प्रस्तुत किया था, लेकिन वो खोखा जो है वो मतलब बुलेट का कार्टेज या बुलेट का नहीं था रेसिडुअल वो। तो बाकी इसमें जाँच की जा रही है, आत्म जो भी विधिक इसमें कार्रवाई की जाएगी, जो भी फैक्ट्स आएंगे सामने उसके बेस पे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।